ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है भोलानाथ के भंडारे में। आज हमारे साथ प्रवीण भाई जी हैं। ओम शांति प्रवीण भाई। आज हमें सात्विक रसोई में आप क्या बनाने जा रहे हैं बताएंगे प्लीज। टिक्की बनाने जा रहे हैं, भरवा टिक्की, जिसमें चना दाल हम अंदर भरेंगे, तो हम वो बनाएंगे आज। तो प्रवीण भाई, ये आप आलू लिए हुए हैं, ये कितने आलू हैं लगभग? हमने 6 आलू लिए हैं। अच्छा, लगभग 400 ग्राम के आसपास आलू है। अच्छा, ये लगभग 400 ग्राम आलू हैं, 6 आलू उबाले हुए हैं। अच्छा, ये हमने उबाल के कट करके रख लिया है। अच्छा, तो अब हम इसमें बाकी जो मसाले हैं वो डालेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या मसाले आप यूज करने वाले हैं बताएंगे? इसमें हम थोड़ा हींग डालेंगे। ठीक है, थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे और नमक डालेंगे और धनिया डालेंगे। ठीक है, और दो से चार चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कैसे बनाएंगे प्रवीण भाई इसको? अभी हम इसको मैश करते हैं, सारा मेटेरियल जो भी है अच्छा हम डालते हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर हींग डालेंगे, मिलाया, अभी हमने हरी मिर्च डाल दी, नमक डालेंगे, नमक अपना स्वाद अनुसार डालेंगे, हमने धनिया पत्ती डाल दी है, सारी धनिया पत्ती डाल देंगे। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आपने दो, अच्छा, चार चम्मच आपने कॉर्नफ्लोर लिया है, हमने डाल दिया है। अब हम इसको हाथों की सहायता से मैश करेंगे। फिर मैं जो कॉर्नफ्लोर मिलाया है वो उसका मतलब उसका महत्व क्या है? जो कॉर्नफ्लोर हमारा है, ये करारापन, जो टिक्की में जो करारापन जो आएगा, अच्छा, उस कॉर्नफ्लोर से ही आएगा। अच्छा, ये कढ़ाई में चिपकेगा भी नहीं और करारापन लेके आएगा। अच्छा, जो उसमें करारापन आता है, क्रिस्पीनेस आती है, वो आपका कॉर्नफ्लोर से आएगा। बहुत अच्छा। भरमा आपने बताया, भरमा टिक्की, उसके अंदर आप क्या फिलिंग करने वाले हैं? हम उसके अंदर चना दाल भरेंगे। अच्छा, चना दाल में हमने नमक, चाट मसाला डाला है और लाल मिर्ची डाली है और थोड़ा सा हींग डाला है। तो चना मसाला उबली हुई है या भीगी हुई है? चना दाल जो है भीगी हुई थी। अच्छा, और जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो ये अपने आप ही, अच्छा, सारा अंदर से गल जाएगा। अच्छा, आज हम इसको नई वैरायटी बनाएंगे। अच्छा, तो हम जैसे भर के टिक्की भर के हम ऐसे डीप फ्राई कर देते हैं, आज हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कॉर्नफ्लोर को घोलेंगे और घोल के उसमें डाल के फिर हम इसको डीप फ्राई। हम कॉर्नफ्लोर घोल रहे हैं। अच्छा, हमने कॉर्नफ्लोर घोल लिया है। अभी कॉर्नफ्लोर हमने एक तरफ घोल लिया है, एक तरफ हमने आलू के पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसको भरने जा रहे हैं, तेल लगाएंगे और तेल लगा के हम इसको फैला लेंगे दोनों हाथों की सहायता से। फैला के हम इसमें ये एक चम्मच, आपने चने, ये फिलिंग किस चीज की बनाई थी आपने, एक बार दोबारा बताएंगे? लाल मिर्ची, चाट मसाला और हींग इसके अंदर डाला है। अच्छा, तो अब हम इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा लड्डू बनके तैयार हो गया है। जो फिलिंग थी वो चने की थी, चने जो है भीगा हुआ था 4 से 5 घंटे और उसके अंदर चाट मसाला, लाल मिर्च और हींग मिलाई है उसको थोड़ा सा स्वाद देने के लिए। हमने पेड़े बना लिए हैं, अब हम इसको डालते हैं फिर आगे का आशीर्वाद। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं, लोई भी हमने फिल कर ली है, उसके अंदर चना भी फिल कर लिया है, तेल भी गर्म हो गया है, तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसको, आप देख सकते हैं कि हम इसको देखिए, अभी जो कॉर्नफ्लोर के घोल में उसको मिक्स करके जो लोई बनाई थी उसको वापस डुबो के उसको डाल दिया है। ये कॉर्नफ्लोर का आटा हमने घोला और उसमें डाल दिया, ये क्रिस्पी के लिए है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, देख सकते हैं इसका कलर होने लगा है और ये क्रिस्पी भी देखो कैसे, उसकी आवाज ही बता रही है कि वो उसको कितना क्रिस्प है, उसका रंग एकदम बदलने लगा है। जो आलू सफेद रंग का होता है वो थोड़ा थोड़ा रेड होने लगा है। अभी हम इसको निकालते हैं
तो अब हम ये हमारी देखिए पक्के लाल हो गया है और ये इसका क्रिस्पी बना आ गया है। तो हम इसको निकालते हैं, उसके साउंड से पता चल रहा है कि उसके अंदर क्रिस्प कितना होगा और जब इसको खाएंगे तो इसमें और क्रिस्प आएगा। तो आप सब भी घर पे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको ट्राई कर सकते हैं। ये है भरवा टिक्की जिसमें चने की दाल की फिलिंग की गई है। ये देखिए आपके सामने ये तैयार हो गई है, मैं आपको सबको उठा के एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार स्वाद दिख रही है। अभी हम इसको भोग के लिए भेजते हैं, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे और रेड चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं इसको हम। अच्छा, वो अभी हम भोग के बाद जी दिखाएंगे कि कैसे ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं जी। ये हमारी भोग लग के टिक्की आ गई है, अभी हम इसको सर्व करेंगे। प्रवीण भाई सर्व कैसे करेंगे आप बताएं जरा। इसको हम इसको ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं जी। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से सर्व किया गया है, लाल चटनी और हरी चटनी के साथ। आप सभी देख लीजिए प्लीज, मैं आपको अच्छे से दिखा दूं। मैं आप सबकी तरफ से इसको टेस्ट कर रहा हूँ। प्रवीण भाई बहुत ही टेस्टी है, मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे इस तरीके से इतनी अच्छी टिक्की बना सकूं और सभी व्यूअर्स को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी अपने घर पर इसको जरूर ट्राई करें और हमें अपने अनुभव बताएं कि आपकी टिक्की किस तरीके से बनी। धन्यवाद, ओम शांति। शिवा।